केंद्रीय जेल रायपुर में बंद विचाराधीन बंदी एक साहसिक कदम उठाता है जो अब तक किसी ने नहीं उठाया। वह सरपंच पद के लिए जेल से नामांकन दाखिल करता है, जेल में ही रहते हुए चुनाव लड़ता है और जब मतगणना होती है तो यह बंदी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत जाता है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का यह पहला मामला है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है जब कोई कैदी जेल में रहते हुए चुनाव जीता हो। जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम नरेंद्र यादव है। नरेंद्र लगातार दूसरी बार अपने गांव सड्डू से सरपंच बना है। नरेंद्र के वकील एनडी मानिकपुरी बताते हैं कि नरेंद्र बीते एक साल से जेल में बंद है। एक साल पहले उसकी पत्नी सुनीता यादव ने आत्महत्या कर ली थी। सुनीता पास के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही है। इस घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने नरेंद्र और उसके परिवार पर केस कर दिया था। पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। नरेंद्र यादव को छोड़कर बाकी परिवार के सदस्य जमानत पर बाहर हैं। वकील मानिकपुरी के मुताबिक चूंकि नरेंद्र यादव वर्तमान सरपंच था और उसने गांव में विकास के काफी काम करवाया था, इसलिए नरेंद्र जेल में थे तो गाँव वालों ने चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया तो इसके बाद प्रस्तावक के माध्यम से नामांकन फार्म खरीदा गया। विधिक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेकर नरेंद्र का नामांकन फॉर्म भरा था। नतीजा आज सबके सामने है। नरेंद्र के सामने चार अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे लेकिन विजयी नरेंद्र की हुई। कुल 1540 मतदाताओं ने मतदान किया था। इसमें नरेंद्र को 799 मत मिले। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 291 मतों से हराया। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।